हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रबू स्टाइल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेगा या तो ट्रैवल ब्लॉग या फिर मेंस क्लॉथिंग। ये एक ट्रैवल ब्लॉग है क्योंकि मैं गया था लाखा मंडल। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जा रहे हैं नारो रेस्टोरेंट। यहाँ से व्यू काफी अच्छा आ रहा है, आपको भी दिखाते हैं। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. ब्रेकफास्ट इज डन, अब अपने सफर में आगे चलते हैं। Hold on a second, love is moment, yeah. Stay a minute, another minute. तो पहुंच गए हम लाखा मंडल। लाखा मंडल एंटर करते ही सबसे पहले हमें दिखी ये गुफा। इस गुफा के अंदर एक सुरंग भी है, और इस गुफा की क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब हम जा रहे हैं लाखा मंडल मंदिर। लाखा मंडल मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है वो भी काफी सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे पुराने स्टाइल के घर बने हुए हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। लाखा मंडल का नाम लाखा मंडल क्यों रखा गया, इसके पीछे दो मान्यता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इंडियन माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पहली मान्यता के हिसाब से दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए पुरोजन से लक्षाग्रह का निर्माण करवाया था। लक्षाग्रह होता है एक लाख से बना हुआ ग्रह, और जो लाख होता है वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो इसी लक्षाग्रह से यहाँ का नाम लाखा मंडल पड़ा है। इसके बाद विदुर ने एक खनिक को भेजकर एक सुरंग का निर्माण करवाया था। ये सुरंग एक गुफा की तरफ जाती थी और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। जो शुरू में मैंने आपको गुफा दिखाई थी वो वही गुफा थी। आगे की डिटेलिंग आपको यहाँ के पुजारी जी बताएंगे। महल बनाया लक्षाग्रह, वो ये जगह है बेटा। यहाँ पे चारों तरफ लाल ईंट है, चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल के दुर्योधन ने आग लगा दी। यहाँ से अंदर का रूट सुरंग है, इस जगह से उनकी लेबर काम करने वाले कौन थे? चूहा। चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई और विदुर ने यहाँ से नक्शा बनाया। आते समय आपको नीचे सड़क पे ये गुफा मिली है, पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। दूसरी मान्यता के हिसाब से लाख का मतलब है लाग, और मंडल का अर्थ है लिंग। महाभारत की एक अन्य कहानी के अनुसार जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद हिमालय आए थे तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, और यहाँ पर उन्होंने 1 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी, तो इस हिसाब से यहाँ का नाम लाखा मंडल पड़ा। ये एक चमत्कारी मंदिर है, यहाँ मृत्यु भी जिंदा हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में अगर किसी शव को इन द्वारपालों के सामने रखकर मंदिर के पुजारी उस पर पवित्र जल छिड़के तो वह मृत व्यक्ति कुछ समय के लिए पुनः जीवित हो उठता है। जीवित होने के बाद वह भगवान का नाम लेता है और उसे गंगा जल प्रदान किया जाता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। हमने एक दिन यहीं स्टे करा था और होटल था एलएम कॉटेज। So this is our room in LM Hotel. ये रूम काफी अच्छा है, पूरा वुडन फिनिश है। लाखा मंडल में यही बेस्ट है,
और सबसे बेस्ट पार्ट मैं अब आपको अब दिखाता हूँ। नजारे यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और आफ्टर बाथ यू कैन हैव ग्रेट सन बाथ हियर। देर लेट लगेगा। अब इसमें क्या सोच रहे हैं स्टार्ट में?